हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग वर्क पावर एंड एनर्जी में आगे कुछ टॉपिक जो टॉपिक पढ़ा था हम लोग ने उसकी डायमेंशन और यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है चलिए आइए देखते हैं देखिए नंबर फोर टॉपिक है डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ वर्क वर्क पावर एनर्जी हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क हम लोग ने डिस्कस करा था उसकी डायमेंशन और यूनिट्स के बारे में पता करेंगे तो डायमेंशन जो होती है एम के सिस्टम कहलाता है और यूनिट जो होती है उसकी जनरल यूनिट होती है तो दोनों चीज के बारे में डिस्कस करेंगे पहले डिस्कस करते हैं डायमेंशन के बारे में तो डायमेंशन निकालना बहुत आसान है फार्मूला लिखते हैं और अलग अलग डायमेंशन टर्म्स के लिखते हैं और फार्मूला निकल आता है तो देखिए वर्ग का फार्मूला होता है वर्ग इज टू एफ डॉट एस मतलब कि एफ इंटू एस इंटू थीटा ठीक तो ओवरऑल फार्मूला uh, क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स की डायमेंशन एम के सिस्टम में और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन कर देना है. तो फोर्स की डायमेंशन हुई एम एल टी की पावर माइनस टू आसानी से पता है आपको और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट uh, की डायमेंशन एल होती है इसको हम फिर से लिख देते हैं फोर्स की डायमेंशन uh, कैसे निकालते हैं फोर्स की होती है एम इन टू ए इससे निकालते एक्सलेशन होता है एम मास होता है एम की ये एम हो गया और इसकी एल इंटू टी की पावर माइनस टू तो ये एम एल टी की पावर माइनस टू वही यहाँ पर रख दिया है और इंटू एल हो गई डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी डिस्प्लेसमेंट तो एल तो ये एम एल टू टी की पावर माइनस टू आ गया ठीक है कोई कन्फ्यूज़न नहीं इसमें सिंपल सिंपल सा है तो ये डायमेंशन हो गई इसको कहते हैं एम के एस सिस्टम में किसमें एम के एस सिस्टम में ठीक तो ये डायमेंशन हो गई अब देखिए यूनिट्स के बारे में आ रहे हैं तो यूनिट्स में दो तरह की यूनिट्स होती हैं एक तो इसमें वर्क में दो तरह की यूनिट्स होती है एक एबसल्यूट यूनिट होती है और एक होती है यूनिट्स। ग्रेविटेशनल यूनिट्स ग्रेविटेशनल यूनिट जानकारी के लिए हम लोग याद में रखते हैं जब कभी जरूरत पड़ती है तब यूज करते हैं लेकिन एब्सल्यूट यूनिट होती है वो हमेशा यूज़ होती है तो पहले हम लोग एब्सोल्यूट यूनिट देखते हैं तो एब्सोल्यूट यूनिट में दो सिस्टम में लिखी जाती है मालूम होना चाहिए आपको कौन कौन से एक होता है एसआई SI सिस्टम जिसको कहते हैं एमकेएस सिस्टम स्टैंडर्ड होता है दूसरा पुराना सिस्टम है ब्रिटिश लोगों का तो सीजीएस सिस्टम उसको कहते हैं सीजीएस सिस्टम तो एसआई SI सिस्टम में जिसको कि एमकेएस सिस्टम बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड वाला सिस्टम तो उसमें वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है जे ओ यू एल ई और शॉर्ट फॉर्म है जे और सी जे सिस्टम सेंटीग्रेड ग्राम और सेकेंड सिस्टम में जो वर्ग की यूनिट होती है वो अर्ग होती है ई आर जी तो ई आर जी इसका शॉर्ट फॉर्म अर्ग ही होता है ऐसे ही लिखा जाता है ठीक है अब इसको शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं क्या होता है जूल की वैल्यू निकालनी है तो वन जूल को कैसे डिफाइन करते हैं है? है, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में नापा जाता है तो सिंपली वन जूल इक्वल टू वन न्यूटन इंटू वन मीटर तो और सीजीएस सिस्टम में क्या होता है इसी फॉर्मूले से निकालते हैं वर्क इज्कवल टू फोर्स इंटू तो वहां फोर्स की यूनिट जो सी जी सिस्टम होती है डाइन होती है डी वाई एन ई तो वन डाइन इंटू वन सेंटीमीटर वन डाइन इंटू वन सेंटीमीटर क्लियर है तो ये हो गया ये आ, आ, ये हो गया अब यहां से एक क्लू और निकलता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वन जूल वर्क का क्या मतलब है तो वन जूल वन जूल का वन जूल वर्क का मतलब है कि एक अगर एक न्यूटन बल हम लगाएं और एक मीटर वो चले बॉडी एक बॉडी में हम एक न्यूटन का बल लगाएं और वो वन मीटर वन मीटर डिस्प्लेस हो तो उस जो काम होता है उसको क्या कहते हैं एक जूल कहते हैं इसी तरह है। तो ये वन जूल इज वन न्यूटन इंटू वन मीटर वन अर्ग इज टू वन डाइन इंटू वन सेंटीमीटर ठीक यहां तक क्लियर है अब देखिए रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग तो हमने यहाँ से दो रिजल्ट प्राप्त करे थे हम लोग को फाइंड आउट हुए थे वन जूल इजक्ल टू वन इंटून इंटू वन मीटर वन अर्ग इजक्वल टू वन डाइन इंटू वन सेंटीमीटर अब हम रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग ये जूल है ये अर्ग है ये सी एस आई सिस्टम में ये सी जे सिस्टम में तो एस आई सिस्टम और सी जे सिस्टम में क्या रिलेशन होता है वर के रिस्पेक्ट में वो निकालने जा रहे हैं तो रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग तो वन जूल हमने क्या लिखा है यहां देखिए वन न्यूटन इंटू वन मीटर लिखा है तो वन न्यूटन इंटू वन मीटर ठीक है अब इसको डिफाइन और सॉल्व करते हैं इज इक्वल टू न्यूटन फोर्स किसके बराबर होता है अगर वन न्यूट, में वन न्यूटन न्यूटन में को वन न्यूटन फोर्स और इसकी वैल्यू सीजे सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है टेन टू द पावर थ्री डाइन स्टैंडर्ड तो वन न्यूटन की जगह हमने सीजे सिस्टम में इसकी वैल्यू रखी तो टेन टू द पावर थ्री डाइन हो गई और वन मीटर की वैल्यू क्या होती है अगर सेंटीमीटर में हो तो टेन टू द पावर टू होती है ठीक तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो टेन टू द पावर सॉरी यहां पर फाइव होगा ये गड़बड़ हो गया हाँ ये फाइव होगा ठीक तो ये टेन टू द पावर फाइव डाइन हो गया वन न्यूटन की वैल्यू होती है टेन टू पावर फाइव डाइन इन टू मीटर की टेन टू द पावर टू सेंटीमीटर तो ये हो जाता है टेन टू द पावर सॉरी हेलो तो देखिए हम लोग यहां तक पहुंचे थे वन रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्थ तो वन जूल इज कॉल टू वन न्यूटन इंटू वन मीटर वन न्यूटन इंटू वन मीटर होता है वन न्यूटन की वैल्यू होती है स्टैंडर्ड टेन टू द पावर फाइव डाइन अगर सी सिस्टम में इसको बदल के लिखें और तो मीटर को सेंटीमीटर बदला तो टेन टू पावर टू सेंटीमीटर होता है दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टेन टू दावर सेवन डाइन इंटू सेंटीमीटर आ गया अब इस डाइन और सेंटीमीटर को क्या लिखते हैं देखिए सीजे सिस्टम में अर्ग लिखते हैं तो टेन टू दावर सेवन अर्घन इंटू सेंटीमीटर को सिस्टम में हो गया वन जूल एसआई SI आई सिस्टम में अर्ग जो है सीजीएस सिस्टम में तो दोनों में अगर कन्वर्जन फैक्टर क्या हुआ टेन टू पावर सेवन का गुणा कर देंगे जूल में तो हमको सीजीएस सिस्टम में अर्ग मिल जाएगा ठीक तो अब ये आपका एब्सोल्यूट यूनिट थी ठीक अब हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं तो ग्रेविटेशनल यूनिट देखिए एसआई यूनिट होती है सीजीएस सीजीएस यूनिट होती है एसआई यूनिट एम के एस होती है मीटर किलोग्राम सेकेंड और सीजीएस होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड तो सी एसआई यूनिट में जो यूनिट होती है वर्क की वो होती है के जी मीटर किलोग्राम मीटर ऐसे बोलते हैं किलोग्राम मीटर अब इसमें फोर्स छुपा हुआ है जब इसको ओपन करके लिखेंगे तो किलोग्राम फोर्स लिखेंगे लेकिन लिखने का ढंग क्या है के जी डैस एम तो आपको समझ जाना ये वर्ग वर्क की यूनिट है हालांकि ऐसे देखने में गलत लगता है क्यों क्योंकि के जी एम हो गया और सीधे मीटर लिख दिया है तो इसमें जो है फोर्स तो बना नहीं तो ये इसमें एफ छुपा होता है ठीक है तो के जी डैश एम स्टैंडर्ड यूनिट है वर्क की एस आई यूनिट में और सी जी एस सिस्टम में ग्राम फोर्स सेंटीमीटर फोर्स बोलते हैं लिखते नहीं है तो ग्राम डैश सेंटीमीटर लिखेंगे तो इसका मतलब होता है ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इसका मतलब होता है केजी फोर्स सेंटीमीटर ठीक तो अब इसको डिस्कस करते हैं तो 1 केजी फोर्स मीटर या केजी डैश एम इक्वल टू देखिए अब इसको ओपन करा तो हमने एफ लिख दिया क्या लिख दिया एफ लिख दिया 1 केजी फोर्स 1 के किलोग्राम फोर्स 1 मीटर मतलब 1 किलोग्राम फोर्स लगाया 1 मीटर चली ऐसा तो आप देखिए 1 किलोग्राम फोर्स 9th टेंथ में आपने पढ़ा होगा कितना होता है 9.8 न्यूटन 1 किलोग्राम फोर्स कितना होता है 1 9.8 न्यूटन होता है तो 9.8 न्यूटन 1 मीटर तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल ये आ जाएगा 9.8 जूल तो 1 किलोग्राम मीटर वर्क 1 किलोग्राम मीटर वर्क यहां वर्क वर्क लिख लीजिए नहीं तो कंफ्यूज होंगे वर्क ये वर्क लिख रहे हैं हम लोग तो वन किलोग्राम मीटर वर्क इक्वल टू नाइन पॉइंट एट जूल ठीक तो ये रिजल्ट आ गया वन किलोग्राम मीटर वर्क इक्वल टू नाइन पॉइंट एट जूल तो ये हमारा इसका हो गया ये ऐसा या, यूनिट हो गई अब हम लोग निकालने जा रहे ग्राम सेंटीमीटर वर्क तो वन ग्राम सेंटीमीटर वर्क कितना हो जाएगा वही फॉर्मूला है देखो वन ग्राम फोर्स वन ग्राम फोर्स इंटू वन सेंटीमीटर ग्राम फोर्स किसी ब्लॉक लगाया और एक सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट गेन करा तो ग्राम फोर्स कितना होता है 980, 980, 980, 980 होता, होता सौ अस्सी यहां पे लिखा वैसे है किलोग्राम फोर्स तो वन सेंटीमीटर तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी नाइन हंड्रेड एट्टी अर्ग तो वन किलो वन ग्राम सेंटीमीटर वर्क इज इक्वल टू नाइन हंड्रेड एट्टी अर्ग तो दोनों ये सॉल्व हो गई वन किलोग्राम मीटर वर्क इजल नाइन पॉइंट एट जूल और वन ग्राम सेंटीमीटर वर्क इज इक्वल टू नाइन हंड्रेड एट्टी अर्ग ठीक अब देखिए ये यूनिट तो हमने निकाल ली वैल्यू निकाल ली अब इसमें फिर वही वही पिछले गलत रिलेशन बिटवीन किलोग्राम मीटर वर्क एंड ग्राम सेंटीमीटर वर्क अब यहां हम वर्क वर्क लिख देते हैं ताकि आपको बोल मतलब याद रहे वर्क वर्क लिख दे रहे हैं वर्क नहीं लिखते तो बड़ा ऐसे खाली लगता है कि जो है पता नहीं क्या लिखने जा रहे तो किलोग्राम मीटर वर्क और ग्राम सेंटीमीटर वर्क में क्या रिलेशन होता है तो वन किलोग्राम मीटर वर्क इक्वल टू टेन टू द पावर थ्री ग्राम इन टू टेन टू द पावर टू सेंटीमीटर स्क्वायर अब देखिए किलोग्राम में हमने क्या कर दिया किलोग्राम को ग्राम में बदल दीजिए तो किलो वन किलोग्राम इज टन टू द पावर थ्री ग्राम हो गया तो टेन टू द पावर थ्री ग्राम और मीटर में टेन टू द पावर टू सेंटीमीटर तो ये क्या आ जाएगा टेन टू द पावर फाइव ग्राम सेंटीमीटर तो इसका रिलेशन क्या आ गया वन किलोग्राम मीटर वर्ग इज टू टू द पावर फाइव ग्राम सेंटीमीटर टेन टू द पावर सेवन नहीं आया टेन टू द पावर फाइव आया है यही दोनों में ग्रेविटेशनल और उसमें यही तो अंतर है यहाँ आ रहा है वन जूल टू टेन टू पावर सेवन अर्ग और वहाँ क्या आ रहा है टेन टू दावर फाइव ग्राम सेंटीमीटर वर्क तो ये तीन फार्मूले वर्क इस्क्ल टू एफ डॉट एस होता है स्टैंडर्ड और ये हमने कंक्लूड कराया है वन जूल स्क्न टू पावर सेवन अर्ग वन किलोग्राम मीटर इसकोल टू वर्क वन किलोमीटर वन

10 की पावर 2 का डिफरेंस आ जाता है वैसे 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है ठीक है तो ये तीन फॉर्मूले जो है ये आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपको आगे फायदा होगा फायदा ये होगा कि जब आपको यूनिट और डायमेंशन क्लियर होंगी तो आपको सवाल करने में आसानी होगी वरना यूनिट्स में ही उल, उलझ उल जाते हैं ओके आपको मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा ये वीडियो थैंक यू